हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके बीच में मैं बड़ी अच्छी टाउनशिप लेके आया हूँ। इस टाउनशिप की खासियत यह है कि एक तो गेटेड है और ये 100 बीघा की टाउनशिप बहुत शहर के बहुत ही नियरेस्ट पॉइंट पे है और इसका मजमराइजिंग व्यू आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा सिकनिक व्यू लोकेशन जहाँ पर हरी भरी वादियाँ, हरियाली और बिल्कुल एकांत शांत एरिया जहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने अपने हाउसेज बना रखे हैं और फार्म हाउस लोकेशन बना रखी है। और इस लोकेशन में बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे 2 रिवर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं जो कि पहाड़ों से आ रही हैं और उनमें बहाव काफ़ी अच्छा रहता है। लोग पिकनिक पॉइंट के लिए यहाँ पे बहुत एक्टिवली आते हैं, सेंटर पॉइंट है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि ये शहर से बहुत ही नज़दीक है। या यूँ कह लीजिए कि शायद ऐसी मैंने अपनी उसमें देखी नहीं है पूरे शहर का। हम वीडियोज़ देखते रहते हैं जिसमें इतना नियरेस्ट पॉइंट में रिवर पॉइंट का, बिल्कुल शहरों के बीचों बीच में रिवर पॉइंट का एक अलग से अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पे 2 रिवर का बड़ा समागम है और लोकेशन बिल्कुल सेंटर पॉइंट है देहरादून का। ये सोसाइटी जो थी बहुत पुरानी, पहले से ही डिलीवर हो चुकी है और इसके अंदर में अलग अलग फेसेस में जैसे हम डालते रहते हैं, कुछ हमारी प्रेम नगर में भी हैं, कुछ हमारी ये सेंट्रली लोकेटेड वाली फर्स्ट फेज का प्रोजेक्ट है। फर्स्ट फेज में क्या 100 बीघा के अंदर में लगभग 80-90 कुछ प्लॉट्स आए थे, वो काफ़ी डिलीवर हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों ने अपने फार्म हाउसेस बना रखे हैं और जो प्लॉटिंग जो पहले कटी थी ये लगभग 700-800-900 गज के प्लॉट्स फर्स्ट फेज में डिलीवर हुए थे। जिन लोगों ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट उस दौरान में करी थी वो अपने अनुसार, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम उस टाइम पर जो भी रहे होंगे, तो आज जो प्रेजेंट रेट है वो 14,000 से लेकर के 18,000 रुपये गज आ चुका है इस जगह का। और बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे पूरी एमेनिटीज़ दी गई हैं, वो मैं भी आपको थोड़ा सा इसका शो दिखा देता हूँ। ये 30 फीट का रोड एंट्रेंस है और हिल का मजमराइजिंग व्यू देख सकते हैं। लोगों ने अपने बड़े बड़े हाउसेस यहाँ पे बना रखे हैं, कोई 700 गज में है, कोई तो कोई 900 गज वाला है, कोई 800 गज वाला है। ये फर्स्ट फेज है ए ब्लॉक का और ए ब्लॉक जो है पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड है। इसमें सारे के सारे लोग बहुत लोग रहते हैं और इसमें 400 गज, 500 गज, 600 गज नॉर्मली जो छोटे प्लॉट थे वो 400 से के आसपास ही कटे थे। और इसमें आप देख सकते हैं लोगों ने अपने हाउसेस बना रखे हैं। एक बार जो इस प्लॉट्स को देख लेता है वो इस प्लॉटिंग से प्यार करने लगता है। उसका कारण ये है कि व्यू बहुत अच्छा है, हाइटेड ज़मीन है और लोग इसमें एंट्री काफ़ी अच्छे, लोग अधिकारी लेवल के, कोई फार्म हाउस लवर्स है, कोई बिजनेस क्लास के लोग हैं, इसमें इस तरह की एंट्री रहती है। देख सकते हैं दोस्तों इसमें बिजली पोल्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी एवरीथिंग है, तो सारी चीज़ मिलेंगी आपको। डे फर्स्ट से किसी चीज़ से रूबरू होना नहीं पड़ेगा आपको और एकांत शांत गेटेड सोसाइटी है। एंट्री आने जाने का एक ही तरफ से रास्ता है इसका और फॉरेस्ट का भी इसमें व्यू है आपका। और बड़े बड़े यहाँ पे आसपास में बड़े बड़ी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो यहाँ पे आपको, बैंकेट हॉल भी है, मेडिकल फैसिलिटी हॉस्पिटल बहुत नज़दीक है, कैंट बोर्ड बहुत नज़दीक है, प्रेम नगर बहुत नज़दीक है, आपका जो है GNS रोड बहुत नज़दीक है, आपका क्लॉक टावर बहुत नज़दीक है। हार्डी ये सारे डिस्टेंस में सिर्फ 3 और 4 किलोमीटर की फेरफरी में ही है। यानी आप इस शहर के बिल्कुल, आप यूँ सोचिए कि बिल्कुल आप मैक्सिमम 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर में ही है, इससे बड़ा नहीं है। और रेट बहुत रिजनेबल है। आज भी अगर रीसेल में अगर हम गेटेड सोसाइटी की बात करने लग जाएं पूरे शहर के अंदर में, तो 30 से लेकर 40,000 रुपये गज का रेट आ चुका है, जो कि बहुत नॉमिनल रेट है। आने वाले टाइम पे इस प्रॉपर्टी का रेट बहुत अप्रिशिएट करेगा। सेंट्रली लोकेटेड है, R3 है, गेटेड टाउनशिप है, प्लांट वे में बनी हुई है, सारी इंटरनोड, कोई 20-25 फीट की रोड नहीं दी गई है, सब 30 फुट की रोड का प्रोविज़न दिया गया हुआ है। इसी में हमारे पास में कुछ 1-2 एक्सटेंशन के प्लॉट्स बचे हुए हैं, उसमें हम 800-900 गज भी दे सकते हैं। उसमें हम आपको कुछ प्लॉट्स हमारे पास रीसेल में यहाँ रखे हैं जो कि हम आपको 300 गज का भी है, 140 गज का भी है। तो इसमें हम छोटे से प्लॉट्स अभी हमारे पास और इन्वेंट्री हमारे पास आएंगी, हम आपको अपडेट कर देंगे। जो लोग सीरियस बायर हैं, लेना चाहते हैं ऐसी गेटेड टाउनशिप का ब्लाइंड मेकअप, ब्लाइंड करना चाह रहे हैं, सेंट्रली लोकेट होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आइडियल लोकेशन है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाने का पर्पज़ ये दिखाने का कि आप यहाँ देख सकते हैं हाउसेज बहुत नज़दीक है, फॉरेस्ट बहुत नज़दीक है, सेंटर भी बहुत लोकेटेड है और ये बहुत पुरानी प्लॉटिंग हो चुकी है 2009 के दौरान हो चुकी थी, 90 प्लॉट्स आए थे और इसमें सारे के सारे प्लॉट जो है सोल्ड हो चुके हैं, पर कुछ रीसेल में